एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर दी हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले हम लोग ना थोड़ा सा इसके बारे में जिसको बोल सकते हैं बेसिक्स सीख लेते हैं, क्या होते हैं इसमें। इसमें सेक्टर और सेगमेंट है, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश करना। एक्चुअल में ना ये जो रिलेटेड होता है ना हम लोगों के साथ बहुत रिलेटेड है ये पोर्शन, ठीक है ना। सेक्टर और सेगमेंट यानी वृत्तखंड और त्रिज्याखंड। अभी हम लोग थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ होता क्या, ये सर्कल है, इफ दिस इज अ सर्कल, अगर ये वृत्त है तो वृत्त के हम लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं। हमारे हिमाचल में कम फैसिलिटी है, शहरों में ज्यादा है। जो शहर के बच्चे देख रहे हैं उनके मुंह में पानी आ गया है, ठीक है ना। पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, पिज्जे में टोटल अगर हम देखें कि चार लोग खाने वाले तो चार स्लाइसेस होती हैं, अगर हम लोग खाने वाले आठ हो गए तो हमारी स्लाइसें बढ़ गई, क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। हम खुद ही बता देते हैं उसको कि इतनी स्लाइसें वाला, तो वैसे कटिंग होती है चार की कटिंग होती है उसके पास। बस इस चीज को हम लोग को इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम त्रिज्याखंड, ठीक है ना। त्रिज्या का पोर्शन त्रिज्याखंड। अभी मैं इसको अलग लिख रहा हूं, यहां पे कोई भी एक पोर्शन उठा लिया आपने, ठीक है, उसको खा लिया वो आपके पेट में चला गया त्रिज्याखंड। दिस इज नोन एज, इसका कोई एंगल होता है, ये आपके एग्जाम में आपके पेपर में आपके क्वेश्चन में दिया होगा थीटा, ये होता है इसका रेस आर, ठीक है ना। ये इसकी होती है चार, ठीक है। सबसे पहले आता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा ओवर 360 डिग्री, मतलब थीटा का ये पूरे सर्कल का थीटा बाय पार्ट मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, क्लियर। ये आ गया त्रिज्याखंड, ठीक है। और इसमें भी सेगमेंट अलग अलग होते हैं, अगर जैसे ये सर्कल का आपने कौन सा हिस्सा उठाया, ये इसको बोलते हैं, ठीक है, माइनस सेक्टर, ठीक है ना, लघु त्रिज्याखंड, इसको छोटे को बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड, जो बाकी के लिए बच गया ना पिज्जा का हिस्सा वो बोलेंगे दीर्घ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य के घर में आठ लोग हैं खाने वाले, चल आठ मान लिए, तो एक त्रिज्याखंड का एक छोटा पीस जो ये क्या देखेगा यार इसकी तो पीस ही इन्होंने चार किए हुए, तो ये एक पीस खाएगा उठा लेगा, बाकी के तीन पीस बांटते रहे, ठीक है ना, लड़ते रहे झगड़ते रहे, इसको क्या देना देना, ठीक है ना। तो ये इसको जो ये जो इसने खा लिया ना छोटा हिस्सा इसको बोलेंगे लघु, और जो ये बड़ा बच गया उसको बोलेंगे दीर्घ, समझ आ गया, दीर्घ त्रिज्याखंड। कई बार आएगा पेपर में ना एक इसमें क्वेश्चन में आएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां तक आ गया त्रिज्याखंड, ठीक है, दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड। अगर आप लोगों के पास सर्कल का एरिया है तो लघु में से माइनस कर दो, दीर्घ त्रिज्याखंड आ गया, ठीक है ना। अगर आपके पास दीर्घ दिया हुआ है, ठीक है ना, जो इसने स्लाइस खा ली उसको वापस जोड़ दो, पूरे का पूरा सर्कल बन जाएगा, और जो बाकी हिस्सा बच गया इसने छुपा के रख लिया फ्रिज में अपने वाला हिस्सा, बाकी जो बच गया वो दीर्घ त्रिज्याखंड है, दीर्घ त्रिज्याखंड खा गए, बाकी माइनस कर दो सर्कल में से तो बच गया जो इसने फ्रिज में रखा हुआ है, लघु त्रिज्याखंड बच गया, क्लियर हो गया ना, यहां तक आ गया ये। उसके बाद आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, ये जो हिस्सा इसको लाइन से जोड़ देते हैं, इसको लाइन से जोड़ देते हैं, ये चार ये वाला हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। ये वृत्त का हिस्सा होता है, गोलाई है इसमें, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और जो बाकी बच गया वो दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अब दिमाग में आ रहा है कि सर ने फार्मूला तो लिख लिया दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो क्लियर हो गया, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, या वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया आपके पास, ठीक है, ये जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है
इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो। ये साइड इक्वल है, ये साइड आप लोगों ने निकाल के अगर ये भी इक्वल आ जाती है अंडर रूट 3/4a² तो ये क्या आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या आएगा, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, बुक दिखाना जरा, हां थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई क्या होगी, ये वाली चाप। अगर ये क्वेश्चन में नहीं भाई ये चाप आई हुई है, ये वाली चाप, ये वाली चाप, ये वाली चाप, ठीक है ना। तो चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई, हां चाप की लंबाई बराबर है थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2πr, क्योंकि ये किसका हिस्सा है, ये इसकी परिधि का हिस्सा है, सर्कमफेरेंस का हिस्सा है, तो इसका थीटा ओवर 360 इंटू 2πr। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये तीन फार्मूले हैं, इसको दिमाग में रखना आप लोगों ने, जैसा जैसा क्वेश्चन में आएगा मैं वैसा वैसा आपका क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है ना, एंगल थीटा दे दिया 60 डिग्री और एक चीज और दे दी हुई है, दैट इज इक्वल टू आर, रेडियस दे दिया आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। यहां पे लिखो, ओ हिंदी में कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना, हिंदी में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, थीटा कितना 60, 360 एज इट इज, पाई कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, आर स्क्वायर आपको दे दिया हुआ 6 इंटू 6। ठीक है ना, 0 0 6 1 6 6 6 36 6 1 6 या क्या 132/7 ठीक है ना, 7 1 7 अगर आप लोग ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो ठीक है, नहीं तो 132 को ऐसे डिविजन मेथड से कर लो, 7 1 7 60.4 18.85 7 आ जाएगा नेक्स्ट, तो ये आ गया 18.857। आपके पास आंसर क्या दिया हुआ है, 18.86 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्या किया इसने, एक बार डिजिट को, अगर ये डिजिट 5 से बड़ी है तो इस डिजिट में एक ऐड कर देते हैं, तो 18.86। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।